वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पेपर हैकर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है आपका जूलॉजी, बीएससी सेकंड सेमेस्टर। ठीक है, सेकंड सेमेस्टर आपका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है। ठीक है, इससे पहले हमने एक से चार तक एक एक करके डिस्कस कर लिया, जो कि आपके सभी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप, इनको अच्छे से पढ़ना है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है तो थोड़ा ज़्यादा याद करना होगा। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है एंजाइम की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो एंजाइम की क्रिया को क्या कर देते हैं, प्रभावित कर देते हैं। ठीक है, उनको हमें क्या करना है, उनका वर्णन करना है। क्या कह रहा है, बिकर क्रियाशीलता, बिकर को ही क्या कहते हैं, एंजाइम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, एंजाइम्स कहते हैं, बिकर को एंजाइम्स की क्रियाशीलता का रेगुलेशन पर टिप्पणी लिखिए। इनकी जो क्रियाशीलता का क्रम है, जो रेगुलेशन है, रेगुलरिटी है, उस पर भी आपको क्या करना है, टिप्पणी लिखना है। तो चाहे इस तरह से पूछ ले, चाहे इस तरह से पूछ ले, ठीक है, दोनों का आंसर एक ही लिखना है। ठीक है, आंसर क्या होगा, दोनों का सेम होगा। चलिए बात करते हैं कि जो एंजाइम है उनको कौन कौन से कारक जो प्रभावित करते हैं। ठीक है, एंजाइम क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो एंजाइम होते हैं उनका काम क्या होता है, किसी भी अभिक्रिया की दर को बढ़ाना, क्या करते हैं वो, किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को इनक्रीज कर देते हैं। ठीक है, कह रहा है एंजाइम रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है, कैटलिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं, कैटलिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम यानी कि एंजाइम की उत्प्रेरक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, एंजाइम की उत्प्रेरक क्रिया कहते हैं, किसको, जो किसी रिएक्शन की रेट को बढ़ा दे, उस गुण को क्या कहते हैं, एंजाइम के, कैटलिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम कहते हैं। क्योंकि अधिकतर एंजाइम प्रोटीन होते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, मोस्टली एंजाइम कौन से होते हैं आपके, प्रोटीन। ठीक है, एंजाइम कैसे होते हैं, प्रोटीन, सभी प्रोटीन आपके एंजाइम नहीं होते, ये ध्यान रखना है। ठीक है, एंजाइम तो प्रोटीन आपके होते हैं, लेकिन प्रोटीन सभी आपके एंजाइम नहीं होते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। कह रहा है जिनकी एक्टिविटी पर उन सभी फैक्टर से इफेक्ट होती है। ठीक है, जिनकी एक्टिविटी है वो उन सभी फैक्टर से इफेक्ट होती है, यानी उन सभी कारकों से प्रभावित होती हैं। कौन कौन से, किन कारकों से, जो प्रोटीन के स्ट्रक्चर को डिसरप्ट कर देते हैं। क्या करते हैं, प्रोटीन के स्ट्रक्चर को बाधित कर देते हैं, या उसमें डिस्टर्बेंस उत्पन्न कर देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं, बाधित कर देते हैं। ठीक है, तो वे जो प्रोटीन के स्ट्रक्चर को बाधित कर देंगे, उन सभी फैक्टर से एंजाइम में क्या होगा, उनकी क्रियाशीलता पर भी प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, कह रहे हैं एंजाइम अन्य उत्प्रेरकों की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होते हैं तथा स्पेसिफिक भी होते हैं, कुछ विशिष्ट गुणों वाले भी होते हैं। ठीक है, अन्य उत्प्रेरकों की अपेक्षा जो आपके एंजाइम को कहते होते हैं, अधिक शक्तिशाली और कुछ इनमें स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, लेकिन वे अपने वातावरण के प्रति सेंसिटिव भी होते हैं। कैसे होते हैं, सेंसिटिव यानी कि संवेदनशील भी होते हैं। एंजाइम मुख्य रूप से टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ठीक है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, कुछ कैटायन तथा एनायन की उपस्थिति, रिडॉक्स पोटेंशियल और एंजाइम इनहिबिटर द्वारा प्रभावित करते हैं। अब कह रहा है ये अपने वातावरण के प्रति कैसे होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, लेकिन एंजाइम मुख्य रूप से टेम्परेचर हो गया आपका, पीएच हो गया, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हो गया, और कुछ एनायन, कुछ कैटायन, और कह रहा है रिडॉक्स पोटेंशियल और एंजाइम इनहिबिटर। ठीक है, ये क्या होते हैं आपके, एंजाइम इनहिबिटर्स यानी कि एंजाइम अवरोधक, इनहिबिटर मतलब होता है अवरोधक, क्या होते हैं, अवरोधक द्वारा प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर हैं जो क्या करते हैं, उसको प्रभावित करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें टेम्परेचर की, क्या टेम्परेचर, तो देखो कह रहा है नंबर एक टेम्परेचर, ठीक है, एंजाइम हीट सेंसिटिव होते हैं, हीट सेंसिटिव मतलब इनको अगर आप हल्का सा गर्म करोगे तो ये कैसे हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं, संवेदनशील होते हैं। ठीक है, थोड़ा इनको गर्म करने पर, कुछ विशिष्ट ताप पर, कुछ विशिष्ट ताप पर ये डीनेचर्ड हो जाते हैं और निष्क्रिय हो जाते हैं। डीनेचर मतलब उनका जो नेचर होता है, ठीक है, वो कैसा हो जाता है, बेकार होता है या इनएक्टिव हो जाता है,
और कैसे हो जाते हैं ये, अक्रियशील हो जाते हैं, ठीक है। ये फिर आपके क्रिया नहीं करते हैं और ना ही उसकी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। अधिकांश रासायनिक क्रियाओं में, ठीक है, मोस्टली जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं, ताप बढ़ने से क्रिया की गति बढ़ती है, ठीक है। ताप बढ़ने से क्रिया की गति बढ़ती है, क्योंकि जब आप ताप बढ़ाओगे तो आपका जो एंजाइम है वो क्या करेगा, ज़्यादा एक्टिव होगा और क्या करेगा, क्रिया की गति को बढ़ा देगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर भी नहीं बढ़ाना, वरना ये एक्टिव हो जाएगा। तापमान बढ़ने से 5 डिग्री से 5 डिग्री से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक, कितने से, 5 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक, प्रत्येक 10 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि पर एंजाइम क्रियाओं की दर लगभग दोगुनी हो जाती है। भाई टेम्परेचर हमें कितना करना, मान लो 5 डिग्री से आपको कितना करना है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड करना। अभी 5 से 40 तक पहुंचना, लेकिन किस टुकड़ों में पहुंचना है, 10, ठीक है। क्या कह रहा है, प्रत्येक 10 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि अगर हमें क्या करना है, मान लो ये आपका टेम्परेचर है, ठीक है, इधर को क्या है आपका टेम्परेचर, तो यहाँ पर क्या है, 0, यहाँ पर क्या ले लिया हमने, 5। अब 5 में 10 जोड़ो तो क्या हो जाएगा, 15, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 15 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें 10 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो प्रत्येक 10, ठीक है, क्या कह रहा है, प्रत्येक 10 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि पर एंजाइमेटिक क्रियाओं की दर लगभग कैसी हो जाती है, दुगनी, ठीक है। जो एंजाइम की उपस्थिति में क्रियाएं होती हैं उनकी दर कैसी हो जाती है आपकी, दुगनी हो जाती है, ठीक है, दोगुना हो जाती है। कह रहा उच्च तापमान पर Q10 का मान कम होता है। अब देखो ये Q10 है, Q10 मतलब कि एक बार में आपको कितना बढ़ाना है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड। जब टेम्परेचर आपका एक बार में 10 डिग्री सेंटीग्रेड करके बढ़ाओगे तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, कैसी हो जाएगी, लगभग दोगुनी हो जाएगी। अब देखो कह रहा है Q10 का मान तो कम होता है, ठीक है, और एंजाइम नष्ट हो जाते हैं। Q10 का मान कम होता है और एंजाइम नष्ट हो जाते हैं उच्च तापमान पर। अब देखो Q10 का मान क्या, मान लो हमने यहाँ से पहले कितना बनाया, 10, ठीक है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 5 से कितना हो गया, 15, तो इसको हम क्या कहेंगे, Q1 कहेंगे। दूसरा हमने 5 से 15 से 10 और जोड़ दिया, तो ये क्या होगा आपका, Q2 हो गया। इसी तरह से आपका क्या हो जाएगा, Q3 हो जाएगा, ठीक है, Q3, तो Q3 पे कितना हो जाएगा, 35। तो यहाँ पर ये जो Q1 Q2 की वैल्यू है, ठीक है, तो ये Q10 का मान तो कम रहेगा, लेकिन आपका टेम्परेचर कितना बढ़ा, एक बार में 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ रहा, तो तापमान उच्च हो जाएगा, लेकिन Q10 की जो वैल्यू है वो कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है, और एंजाइम आपका कैसा हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। मतलब कि बहुत ज़्यादा तापमान करने पर एंजाइम आपका निष्क्रिय हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा, और अभिक्रिया की दर को नहीं बढ़ाएगा, ये कहने का मतलब है, ठीक है। एंजाइम सक्रियता तथा तापमान का संबंध ग्राफ द्वारा प्रदर्शित किया गया है। अब देखो इसमें कुछ ग्राफ आपके दे रखे हैं जो एंजाइम सक्रियता और तापमान का संबंध दर्शा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर, ये आपका क्या है, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, ये आपका क्या है, एंजाइम एक्टिविटी, ठीक है, क्या है, एंजाइम एक्टिविटी, यानी कि एंजाइम क्रियाशीलता, और ये आपका क्या है, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि जो आपका क्रियाधार होता है, क्या होता है, क्रियाधार, ठीक है, क्रियाधार की कंसंट्रेशन क्या कहते हैं, सांद्रता। तो भी जब जैसे जैसे आपकी सांद्रता बढ़ रही है, क्या हो रहा है, जैसे जैसे आपकी सांद्रता बढ़ रही है, ठीक, उसी तरह से क्या हो रहा है, जो आपका एंजाइम है उसकी एक्टिविटी भी धीरे धीरे इंक्रीज कर रही है, ठीक है। तो मान लो आपका शुरू में क्या था, शुरू में सांद्रता आपकी 0 थी और एंजाइम की एक्टिविटी भी कैसी थी, 0 थी, ठीक है, इनिशियल पॉइंट पे। जैसे जैसे हमने क्या करा, सांद्रता इतनी बढ़ा दी, ठीक है, मान लो 5 हमने सांद्रता बढ़ा दी, तो ये क्या होगा, कार्य इसकी एक्टिविटी भी बढ़ जाएगी, ठीक है, ठीक है, एंजाइम की एक्टिविटी भी बढ़ जाएगी, ठीक है। इसको हमने थोड़ा और बढ़ा दिया, इसकी एक्टिविटी भी और बढ़ गई, ठीक है, ये यहाँ पर आएगा, सांद्रता हमने और बढ़ा दी, ठीक है, हल्की। अब देखो जैसे जैसे सांद्रता ज्यादा बढ़ रही है, इसकी एक्टिविटी धीरे धीरे बहुत हल्के कम हो रही है, सांद्रता हम ज्यादा बढ़ा रहे हैं, ठीक है, लो यहाँ बढ़ा दी, अब देखो कितना है, सिर्फ इसमें इतना ही परिवर्तन हुआ। तो सांद्रता तो बढ़ रही है, ठीक है, सबस्ट्रेट की सांद्रता तो बढ़ रही है, लेकिन आपका जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो बहुत धीरे धीरे बढ़ रही है। कहने का मतलब क्या है कि सबस्ट्रेट की सांद्रता बहुत ज्यादा बढ़ाने पर आपका जो एंजाइम की एक्टिविटी है, क्रियाशीलता है, वो एक समय पर आकर कैसी हो जाती है, बहुत धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाती है, और आपका जो प्रोडक्ट है वो एक बहुत ज़्यादा स्पीड से नहीं बनता है, ठीक है, शुरू में तेज बनता है आपका, फिर एक समय ऐसा आता है कि वो एक निश्चित दर से बनना शुरू हो जाता है। सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन और
एंजाइम क्रिया एक्टिविटी। अब यहाँ पर दो स्ट्रक्चर दे रखे हैं, ये क्या है आपका, जिसमें आपको जो कर्व, जो आपको ढाल मिलता है, ठीक है, जो आपको कर्व मिलता है वो कैसा होता है आपका, मिचेल्स, ठीक है, या मेंटेन टाइप का होता है, जो पहला कर्व मिलेगा आपको। दूसरे की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, शुरू में आपका अगर इनिशियल पॉइंट पे अगर हम देखें, मान लो ये क्या है आपका ए, जहाँ पर सबस्ट्रेट की सांद्रता शुरू में कितनी है, मान लो यहाँ पर 0 पे है, ठीक है, सांद्रता हमने इतनी बढ़ा दी, ठीक है। अभी देखो एंजाइम हमारा यहाँ पर नहीं है, एंजाइम कहाँ पर है, यहाँ पर, तो एंजाइम शुरू में सांद्रता बढ़ाने पर ये कार्य नहीं कर रहा, कब करेगा, जब ये यहाँ पर इसकी सांद्रता आ जाएगी, ठीक है, तो ये यहाँ से शुरू होगा, ठीक है, यहाँ से शुरू होगा, जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे सांद्रता को, तो सांद्रता बढ़ाने पर एक समय ऐसा आएगा कि अपनी मैक्सिमम स्पीड पे पहुंच जाएगा, मतलब जितनी देर तेज ये कार्य कर सकता है, रिएक्शन को स्पीड अप कर सकता है, उतनी तेज करेगा, लेकिन उसके बाद एक ऐसा हो जाएगा, अब क्रिया में जो है बहुत ज़्यादा फिर वृद्धि नहीं होगी, फिर क्या होगा, उसका जो प्रोडक्ट होगा वो कम कम बनने लगेगा। पहले क्या होगा, प्रोडक्ट बहुत तेजी से बनेगा, उसके बाद जैसे ही सांद्रता आप ज़्यादा करते जाओगे सबस्ट्रेट की, प्रोडक्ट धीरे धीरे कम आपका होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये दूसरा स्ट्रक्चर था जिसमें आपको सिग्माइड कर्व मिलता है, कौन सा कर्व मिलता है, सिग्माइड कर्व मिलता है, ठीक है, ये वाला कुछ इस तरह से। इसकी अगर हम बात करें तो एंजाइम कंसंट्रेशन, अब हम क्या करना है, एंजाइम की सांद्रता को बढ़ा रहे हैं, और इधर क्या है आपका एंजाइम एक्टिविटी ऊपर को, ठीक है। तो जैसे जैसे आप एंजाइम कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो एंजाइम की एक्टिविटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, किस तरह का हमें एक कर्व मिलेगा देखने को। तो आपको जो ग्राफ है उसमें क्या होगा, देखो दोनों, मान लो आपकी एंजाइम की एक्टिविटी 0 है और एंजाइम की कंसंट्रेशन भी आपकी क्या है, 0 पॉइंट पे है। जैसे जैसे आप एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे क्रिया भी बढ़ती जाएगी, ठीक है, एक्टिविटी भी इसकी बढ़ती जाएगी। अब देखो बढ़ रहा है, एक्टिविटी बढ़ रही है, कंसंट्रेशन बढ़ रही है। अब एक समय ऐसा आएगा कि एंजाइम की आप सांद्रता कितनी भी बढ़ा दें, ठीक है, एंजाइम की, यहाँ से एंजाइम की सांद्रता आप कितनी भी बढ़ा दें, ठीक है, लेकिन जो एक्टिविटी है वो एक ही वे में चलेगी, ठीक है, जो एक्टिविटी है यानी कि रिएक्शन बढ़ने की दर या रिएक्शन होने की दर, प्रोडक्ट बनने की दर क्या हो जाएगी, यहाँ से कॉन्स्टेंट हो जाएगी, ठीक है, समान समय में आपको प्रोडक्ट बनेगा। पहले क्या हो रहा था, एंजाइम की हम सांद्रता बढ़ा रहे थे और जो आपका एंजाइम था वो बहुत जल्दी जल्दी एक्टिविटी कर रहा था, ठीक है, क्रिया कर रहा था, प्रोडक्ट आपको जल्दी मिल रहा था। एक समय क्या आएगा, ये जो आपका ग्राफ है वो एक सीधी रेखा मिलेगा, मतलब कि आप कितना भी सांद्रता बढ़ा लो लेकिन ये चलेगा इसी स्पीड से, ठीक है। तो इसमें आपको क्या मिलेगा, इफेक्ट ऑफ एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी, तो ये आप एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन का एंजाइम की क्रिया पर प्रभाव, तो आपको इस तरह का ग्राफ देखने को मिलेगा, ठीक है, इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन एंजाइम एक्टिविटी। एंजाइम की क्रियाशीलता पर पीएच का क्या प्रभाव पड़ता है, तो जैसे जैसे आप पीएच मान बढ़ाएंगे, ठीक है, पीएच मान आप जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो उसी तरह से, ठीक है, तो क्या क्या होगा आपका, धीरे धीरे जो है अभिक्रिया तेज गति से होगी, फिर क्या होगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा जो आपकी अपने पीक पर पहुंच जाएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा एसिड मिल जाएगा उसमें, पीएच मान इसका ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर उसके बाद क्या होगा, वो अभिक्रिया फिर आपकी उतनी ही गति से धीरे धीरे होना कम शुरू हो जाएगी, ठीक है, जिस स्पीड से अभिक्रिया आपकी बढ़ी थी फिर वो उसी स्पीड से आपकी अभिक्रिया धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो थे आपके प्रभाव, ठीक है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का क्या प्रभाव पड़ा था, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की एंजाइम एक्टिविटी पर क्या प्रभाव था, कौन कौन से आपके ग्राफ थे, ये आपका क्या है, सबस्ट्रेट एंजाइम कंसंट्रेशन और एंजाइम एक्टिविटी के बीच में ग्राफ, ये क्या है, इफेक्ट पीएच और एंजाइम एक्टिविटी के बीच में ग्राफ, तो ये चार आपके ग्राफ थे, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें आपका एक और है अभी टेम्परेचर वाला, ठीक है, फिफ्थ क्या है आपका, टेम्परेचर वाला, तो टेम्परेचर का एंजाइम एक्टिविटी पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है, जैसे जैसे हम मान लो यहाँ पर क्या है, ये आपका एंजाइम है, ठीक है, और ये क्या है आपका, दोनों चीज़ें क्या है हमारी, 0, मान लो हमने टेम्परेचर इतना बढ़ा दिया, ठीक है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसकी एक्टिविटी भी बढ़ गई, हमने कितना बढ़ा दिया, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, तो एक्टिविटी भी बढ़ गई, और यहाँ पर हमने कितना लिख दिया, 25 डिग्री सेंटीग्रेड लिख दिया, कोई बात नहीं, तो यहाँ पर एक्टिविटी कुछ यहाँ पहुँच गई।
अब देखो जैसे जैसे हमने टेम्परेचर को ज्यादा किया है वैसे वैसे एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ रही है, ठीक है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर को ज्यादा कर रहे हैं एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ रही है। यहाँ पर क्यू का मान तो कम होगा लेकिन टेम्परेचर कैसा हो जाएगा आपका, हाई हो जाएगा। उसके बाद एक समय ऐसा आ जाएगा कि आपका जो एंजाइम हो वो इनएक्टिव हो जाएगा और कार्य करना बंद कर देगा और ये ग्राफ आपका यहीं से नीचे को आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो था आपका एंजाइम एक्टिविटी और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ, ठीक है, जो कि पहले एक सीधी रेखा में जा रहा है फिर क्या है नीचे को ढाल स्लोप टाइप आपको मिल रहा है, ठीक। दूसरा अगर हम बात करें तो पीएच प्रोटीन प्रकृति के होने के कारण एंजाइम पीएच, क्या एंजाइम पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं, ठीक है। जो आपकी प्रोटीन्स होते हैं, अभी पढ़ा था ना एंजाइम क्या होते हैं आपके, प्रोटीन, और प्रोटीन कैसे होते हैं पीएच प्रकृति के होते हैं, जिससे कि ये पीएच के प्रति कैसे होते हैं संवेदनशील होते हैं, ठीक है, यानी कि सेंसिटिव होते हैं। पीएच मान बढ़ने से एंजाइम प्रभावित होते हैं, जैसे जैसे आप पीएच का मान बढ़ाओगे एंजाइम कैसा हो जाएगा, प्रभावित होने लगेगा, ठीक है। और पीएच के कारण एंजाइम का आयनीकरण तथा घुलनशीलता प्रभावित या परिवर्तित हो जाती है। पीएच मान बढ़ाने से या तो वो घुल जाएगा या क्या हो जाएगा अपना आयनाइजेशन हो जाएगा, ठीक है, उसका आयनीकरण हो जाएगा, ठीक है। कह रहा कुछ एंजाइम जैसे पेप्सिन हो गया कम पीएच मान पर, कुछ पीएच कुछ अधिक पीएच जैसे आपका ट्रिप्सिन हो गया पीएच मान पर, और यूरिएज लगभग न्यूट्रल पीएच मान पर, क्या रहते हैं ये न्यूट्रल पीएच मान पर सक्रिय पाए जाते हैं, ठीक है। कैसे पाए जाते हैं, सक्रिय आपके पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसको क्या हुआ, ये आपका आ गया। तो यहां से क्या पता चल रहा है, कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जैसे पेप्सिन आपका है वो कम पीएच मान पर, ठीक है, कम पीएच मान पर आपका कैसा होगा सक्रिय होगा, ठीक है। और कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो कि आपके अधिक पीएच मान पर सक्रिय रहते हैं, जैसे कि अधिक पीएच, ठीक है, क्या होगा अधिक पीएच, अधिक पीएच पे आपका कौन सा होगा ट्रिप्सिन होगा, क्या होगा ट्रिप्सिन होगा, ट्रिप्सिन जो कि सक्रिय रहता है। और कम पीएच पे, कम पीएच मान पर कौन सक्रिय रहता है आपका पेप्सिन, क्या पेप्सिन, ठीक है। और न्यूट्रल पीएच मान पर यानी कि न्यूट्रल पर, न्यूट्रल पीएच मान पे कौन आपका सक्रिय रहता है यूरिएज, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कम पीएच मान पेप्सिन और अधिक पीएच मान आपका क्या हो जाएगा ट्रिप्सिन, और न्यूट्रल पर क्या रहता है आपका, न्यूट्रल पर क्या रहता है आपका यूरिएज, ठीक है। इस मान पर ये सक्रिय रहते हैं, मतलब इस पर ये क्रिया करने योग्य रहते हैं, सक्रिय पाए जाते हैं, ठीक है। कुछ आगे आ गए हम, चलो ये आपका थर्ड कह रहा है सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, सबस्ट्रेट यानी कि क्रियाधार की, क्रियाधार की सांद्रता, तो भी क्रियाधार की सांद्रता से आपका जो एंजाइम है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या क्या परिवर्तन होता है। कह रहा है सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने से, सबस्ट्रेट जैसे जैसे आप क्रियाधार की सांद्रता बढ़ाते जाएंगे, मतलब जो आपका क्रिया करने वाला पदार्थ है उसको ज्यादा मिलाना है, ठीक है, उसकी मात्रा बढ़ाना, तो यही होता है कंसेंट्रेशन बढ़ाने से एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ती है। जब आप सबस्ट्रेट की सांद्रता बढ़ाओगे, सबस्ट्रेट की सांद्रता बढ़ाओगे तो एंजाइम की क्रियाशीलता भी बढ़ती है, लेकिन अति उच्च सांद्रता में सबस्ट्रेट की उपस्थिति से, सबस्ट्रेट की उपस्थिति से क्रियाशील क्रियाशीलता घटने लगती है। जैसे अब आप मान लो सांद्रता बढ़ा रहे हैं, ठीक है, बढ़ाते बढ़ाते ऐसा एक समय ऐसा आएगा कि सांद्रता सबस्ट्रेट की बहुत ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। जब सांद्रता बहुत ज्यादा हो जाएगी तो एंजाइम की क्रियाशीलता यहाँ पर क्या हो जाएगी, घटने लगेगी, ठीक है, रिटार्ड होने लगेगी। यहाँ सबस्ट्रेट की सांद्रता द्वारा सीमा कारक हो जाता है, सीमा कारक मतलब एक ऐसा समय आता है जिसके बाद वह कार्य करना बंद कर देता है, उसी स्टेज को हम कहते हैं सीमा कारक, ठीक है, लिमिटेड लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट नहीं कहेंगे यहाँ पर, लिमिटिंग रिएक्शन कहेंगे। करा कुछ एंजाइम सबस्ट्रेट की उच्च सांद्रता द्वारा निष्प्रभावी होते हैं, कैसे होते हैं, कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जिसमें आप सबस्ट्रेट की चाहे जितनी मात्रा बढ़ा दो, जितनी सांद्रता कर दो हाई, लेकिन वो उस पर भी काम करते रहते हैं, ठीक है, सांद्रता का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सबस्ट्रेट इनहिबिशन कहलाता है, क्या कहलाता है इनहिबिशन, ठीक है, अवरोधक कहलाता है। ये दो प्रकार के ग्राफ बनते हैं, कौन कौन से हैं,
नंबर एक, ऐसे एंजाइम जिनमें केवल एक यूनिट पाई जाती है, ठीक है, केवल एक यूनिट पाई जाती है आपकी एंजाइम की, में स्ट्रेट लाइन कर्व, तथा जिनमें कई यूनिट्स होती हैं, जिनमें बहुत सारी यूनिट्स होती हैं आपकी किसकी, एंजाइम्स की, और सभी आपस में क्रिया करते हैं, सभी एक दूसरे से क्रिया करते हैं, वहां पर आपका कौन सा कर्व बनता है, सिग्मॉइड कर्व बनता है, ठीक है, जो कि आपका बी में बन रहा था, ठीक है, और ये किस में बन रहा था, आपका ए में बन रहा था, ठीक है। फोर्थ कह रहा है एंजाइम सांद्रता, अब हमें क्या करनी है, एंजाइम की सांद्रता को बढ़ाना है, देखो क्या प्रभाव पड़ता है एंजाइम सांद्रता, जैसे जैसे आप एंजाइम की सांद्रता को बढ़ाओगे तो एंजाइम की एक्टिविटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कह रहा है एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने से एंजाइम की क्रिया में वृद्धि होती है, एंजाइम की क्रिया में वृद्धि होती है। पहले क्या होगा, जब आप एंजाइम की सांद्रता बढ़ाओगे तो एंजाइम क्रिया में जो एंजाइमेटिक क्रियाएं होती हैं, जो एंजाइम की उपस्थिति में अब होती हैं, उसमें क्या होगा, पहले तो वृद्धि होगी, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है यदि कोई सबस्ट्रेट अधिक मात्रा में उपस्थित हो, अगर कोई सबस्ट्रेट है जिसके साथ रिएक्शन करनी है, वो अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में है, तो एंजाइम की सांद्रता दोगुनी करने से उत्पाद का निर्माण दोगुनी स्पीड से होता है, ठीक है। कैसा होगा, जो आपका सबस्ट्रेट है वो अधिक मात्रा में, तो हमें वहां पर क्या करना होगा, एंजाइम की मात्रा कितनी करनी होगी, दोगुनी करनी होगी। मान लो हमारा सबस्ट्रेट कितना है, ए है, कितना है, ए है, तो प्लस इसमें एंजाइम हम कितना मिला देंगे, 2A, ठीक है, एंजाइम कितना मिला देंगे हम, 2A मिला देंगे, तब जाके हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है वो भी दुगुनी स्पीड से बनेगा, कितना बनेगा, दुगुनी स्पीड से बनने लगेगा, ठीक है, ये कह रहा है। आगे कह रहा है एंजाइम की मात्रा और अधिक बढ़ाने पर एक ऐसी स्थिति भी आ सकती है जब सबस्ट्रेट के अणु एंजाइम द्वारा बॉन्ड हो जावें, और इसके बाद एंजाइम की मात्रा बढ़ाने से प्रोडक्ट के निर्माण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब जैसे जैसे आप क्या करोगे, एंजाइम की मात्रा जैसे जैसे आप ज़्यादा बढ़ाते रहोगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि जो आपका सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल था वो एंजाइम के साथ में बॉन्ड हो जाएगा, बंध जाएगा, और फिर उसके बाद क्या होगा कि जो आपका प्रोडक्ट है उसके निर्माण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है, उसके निर्माण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है, ना ही आपका बढ़ेगा ना कम होगा, जिस रेट से चल रहा था उसी रेट से चलता रहेगा, ठीक है। ये हो गया आपका एंजाइम की सांद्रता बढ़ाने पर क्या प्रभाव पड़ा था। नेक्स्ट आपका कह रहा है रिडॉक्स पोटेंशियल, ठीक है, क्या है, रिडॉक्स पोटेंशियल, एंजाइम कोशा के रिडॉक्स पोटेंशियल से प्रति रिडॉक्स पोटेंशियल के प्रति संवेदनशील होते हैं, थोड़े सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। प्रत्येक कोशा के रिडॉक्स पोटेंशियल, यहां पर क्या लिख दिया, कंपोनेंट, क्या होगा, पोटेंशियल को परिवर्तित करने में ऑक्सीकारक तथा अपकारक, ठीक है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, एंजाइम सक्रिय होते हैं, ठीक है। इसको कौन परिवर्तित कर देता है, जो आपका रिडॉक्स पोटेंशियल होता है, इसको आपको ऑक्सीकारक या अपचायक, क्या, ऑक्सीकारक या अपचायक, ठीक है, जिसे रिड्यूसिंग कहते हैं, ये दो प्रकार के एजेंट होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, यही क्या करते हैं, ये जो रिडॉक्स पोटेंशियल होता है इसको इसको क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है, इसलिए यह रिडॉक्स पोटेंशियल द्वारा प्रभावित होता है, ठीक है, इसलिए किसके द्वारा प्रभावित होगा, ये रिडॉक्स पोटेंशियल के द्वारा प्रभावित होगा, ठीक है। सिक्स कह रहा है अन्य आयन, ठीक है, अब इसमें पहले हमने पढ़ा था कैटायन और एनायन भी होते हैं, तो इसमें देखो कह रहा है अन्य आयन, ठीक है, कई एंजाइम निष्क्रिय होते हैं, यानी कि वो क्रियाशील नहीं होते हैं, कब तक, जब तक कि उन्हें कुछ दिया ना जाए, जब तक कि कोई कैटायन, जैसे कैटायन में क्या आ जाएगा, आपका सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक या मैग्नीशियम, ठीक है, Mg2 दो बार लिखा हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं, उपस्थिति नहीं हो, जब तक कि ये प्रेजेंट नहीं होंगे, जब तक बहुत से कैटलिस्ट आपके या बहुत से एंजाइम ऐसे होते हैं जो क्रिया नहीं करते हैं, कब तक, जब तक कि कोई आपका कैटायन, जैसे आपका क्या हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, इनमें से कोई प्रेजेंट नहीं होगा तब तक ये क्या करेंगे, क्रिया नहीं करेंगे, ठीक है। कह रहा कुछ अमीन्स, जैसे सीएल एनायन, सॉरी, कुछ एनायन्स, ठीक है, एनायन्स जिन पर माइनस का चार्ज होता है, ठीक है, माइनस का चार्ज किन पर होता है, जिन पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, ठीक है,
जितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी उस पर उतना ही माइनस का चार्ज ज़्यादा होगा, जिस पर जितने इलेक्ट्रॉन कम होंगे उस पर उतना ही प्लस का चार्ज होगा। मान लो Na पे क्या है, प्लस का चार्ज एक, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम है, ठीक है, बाहरी कोष में। ऐसे इस पर भी एक इलेक्ट्रॉन कम है। तो कह रहे हैं एंजाइम की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं, ये सभी क्या करते हैं, एंजाइम की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं कुछ एनायन और कुछ कैटायन्स। आयंस की सांद्रता एंजाइम एक्टिविटी को प्रभावित करती है, ठीक है, प्रभावित करती है मतलब उसको बढ़ा देती है, ठीक है। तो इसी तरह से क्या होता है, कुछ आयंस भी होने जरूरी हैं, ठीक है, जिनकी उपस्थिति में कुछ आपके एंजाइम ऐसे होते हैं जो क्रिया करते हैं, जब तक ये नहीं मिलेंगे वो क्रिया नहीं करते हैं, ठीक है, सोते रहते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है। इनहिबिटर्स, ठीक है, एंजाइम बाधक, क्या एंजाइम बाधक, एंजाइम के रास्ते में कौन कौन बाधा उत्पन्न करता है जो सबस्ट्रेट से क्रिया नहीं करने देता है, ठीक है। कह रहा है एंजाइम एक्टिविटी कई प्रकार के पदार्थों द्वारा इनहिबिट होती है, इनहिबिट मतलब बाधित होती है, क्या होती है, बाधित, ठीक है, बाधित होती है, उसको पूरा नहीं होने देते हैं। कुछ इनहिबिटर सबस्ट्रेट अणुओं जैसी संरचना के होते हैं, किस तरह के होते हैं, जैसे सबस्ट्रेट अणुओं की संरचना है तो उसी तरह की उनकी भी संरचना होती है, ठीक है, कुछ इनहिबिटर्स की या बाधकों की। कह रहा है यह एंजाइम के एक्टिव साइट पर अटैच हो जाते हैं जहां सबस्ट्रेट अणुओं को अटैच होना चाहिए, ये कहाँ चले जाते हैं, एंजाइम की उस एक्टिव साइट पर चले जाते हैं जहां पर आपके किसको अटैच होना चाहिए, जहां पर सबस्ट्रेट अणुओं को अटैच होना चाहिए, ठीक है। मान लो ये आपका क्या है, ये मैंने ले लिया आपका, ये आ गया आपका एंजाइम, ठीक है, क्या है, एंजाइम प्लस यहाँ पर आपका क्या है, ये आपका आ गया सबस्ट्रेट, ठीक है। तो सबस्ट्रेट आपका कुछ इस तरह से बना होगा, तो ये अगर हम इसको उठा के इसमें फिट करोगे हो जाएगा, इसको उठा के इसमें फिट करोगे तो ये एक दूसरे में क्या हो जाएंगे, फिट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या आ जाता है, कुछ इनहिबिटर्स आ जाते हैं, यानी कि कुछ बाधक आ जाते हैं, डंडे लेके बाधक, धा और का धक, बाधक। तो यहाँ पर इससे पहले ही इसमें कुछ बाधक होते हैं जो इसमें फिट हो जाते हैं, ठीक है, बाधक इसमें क्या हो जाते हैं, एंजाइम में फिट हो जाते हैं। अब यहाँ पर जो सबस्ट्रेट है आपका उसके लिए जगह नहीं है, तो ये क्या करेगा, रिएक्शन नहीं करेगा। कुछ बाधक पहले ही आके एंजाइम में फिट हो जाते हैं जहां पर आपको आपका क्या फिट होना चाहिए था, जहां पर आपका सबस्ट्रेट फिट होना चाहिए था या सबस्ट्रेट जुड़ना चाहिए था, तो ये क्या कहलाते हैं, आपके इनहिबिटर्स कहलाते हैं, ठीक है, यह कंपटीटिव इनहिबिटर्स कहलाता है। जो आपका जिसमें फिट हो जाता है वो क्या कहलाता है, कंपटीटिव इनहिबिटर्स कहलाता है। कुछ नॉन कंपटीटिव इनहिबिटर्स भी होते हैं, कुछ नॉन कंपटीटिव बाधक भी होते हैं जो एंजाइम से कंबाइन होते हैं लेकिन स्पेसिफिक नहीं, जो एंजाइम से मिलते तो हैं लेकिन उस एक्टिव साइट पर नहीं जहां पर आपका सबस्ट्रेट अटैक होना है, ठीक है, कहीं दूसरी जगह ये जाके चिपक जाते हैं, ठीक है, तो इनको कहते हैं नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, ठीक है। तो आज का ये सवाल था आपका, एंजाइम क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक या विकर क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाले कारक, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, बने रहिए हमारे साथ, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और लाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड